What are the government schemes are there? We wanted to share it to the people in the village where we conducted this workshop. और मिशन शक्ति के साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. मोर देन 750 वीमेन दे पार्टिसिपेटेड इन दैट. और उसमें हमने जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उड़ीसा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इंटरप्रेन्योर्स के लिए और विलेजर्स के लिए, उस चीज़ों को हमने हाईलाइट किया. एज ऑन टुडे हमारा टोटल एक्सपोजर जो SHG इन उड़ीसा 800 करोड़ है, और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं सो दैट हम गांव के भीतर जो नारी शक्ति है उसको हम आगे प्रोत्साहित करें और उनको मोर एंड मोर फाइनेंसिंग नीड्स जो उनकी है उसको हम पूरा करें. एक तो ये पर्पज़ था. दूसरा, हमने यहाँ के जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, टॉप इंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई और उड़ीसा की जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी यहाँ हो रही है उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं. हमारी 277 ब्रांचेज हैं उड़ीसा में और हमारा पूरा विश्वास है कि मेरी टीम बहुत एक्टिवली यहाँ के ग्रोथ प्रोसेस में साथ काम कर रही है और आगे भी हम इसमें काफ़ी आगे बढ़कर इसमें योगदान करेंगे. 177 ब्रांचेस, और इस साल हमारा प्लान है कि कम से कम 10 नई ब्रांचेज हम इस फाइनेंशियल ईयर में खोलने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि अनदर 3 से 4 महीने के भीतर 10 नई ब्रांचेज और उड़ीसा में खुलेंगी. और डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हमने काफ़ी लिया हुआ है, तो ब्रांच नेटवर्क और थ्रू द डिजिटल इनिशिएटिव्स आई थिंक इन ए बिग वे वी कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ उड़ीसा. सर, चीफ सेक्रेटरी, आपका विजन क्या है सर? उड़ीसा में यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी चली, काफ़ी चीज़ें यहाँ हो रही हैं. आपका संबलपुर इलाका हो या रूरकेला हो, बेरहमपुर हो, तो आज हम पूरी टीम के साथ बैठकर हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ की सारी जर्नीज में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं उस इनिशिएटिव्स में हम भी पार्टिसिपेट करें एंड उस इनिशिएटिव्स का हम भी एक हिस्सा बने. जिससे चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ भी आपका जी 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 लोन के लिए एग्रीकल्चर MSME नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी लोन के ऊपर में कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने अप्रिशिएट किया कैनरा बैंक के, फर्स्ट पॉइंट वाज कैनरा बैंक के प्रेजेंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया. और जो मिशन शक्ति जो स्कीम हमारी गवर्नमेंट की चल रही है उसमें कैनरा बैंक की जो भागीदारी है उसको और बढ़ाया जाए कैसे, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जॉइंट डिस्कशन किया. और उड़ीसा के भीतर जितनी जो विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कैनरा बैंक का रोल क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उस सभी चीज़ों के ऊपर में चर्चा हुई. किसी ऐसी कोई पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर कोई चर्चा नहीं. और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो सेक्रेटरीज हैं दे वर क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ कैनरा बैंक. सर, जैसे बोले थे SHG और मिशन शक्ति के लिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उड़ीसा में क्या प्लानिंग है? ये SHG इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट एंड मुझे भी बड़ा कल मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जो उस कार्यक्रम में मोर देन 750 गाँव की महिलाएँ वहाँ उपस्थित थीं और इतनी एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी. तो ये एक एनर्जी पैदा करता है बैंकर के भीतर भी कि हम अगर आगे बढ़कर महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ाएं तो समाज का और राष्ट्र का कैसे उत्थान हो सकता है. तो इस पूरे स्कीम के तहत हम बड़े स्केल पे मिशन शक्ति के साथ जुड़कर और अच्छी फाइनेंसिंग हम यहाँ SHG ग्रुप को करेंगे. सर, ओके, और एक बात कि नया एंटरप्रेन्योर जितने होते हैं उनको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसके लिए कैनरा बैंक क्या कुछ नया कुछ करना चाहेगा? देखिए, कैनरा प्रॉब्लम है, करेक्ट, मिनिस्ट्री लेवल में भी ये प्रॉब्लम्स डिस्कस होता है कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए लोन लेना काफ़ी मुश्किल होता है. हमारी कैनरा बैंक की एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसी भी प्रपोजल को यस और नो हम इमीडिएटली उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमको इस प्रपोजल में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. अगर हमने डिसाइड किया कि इस प्रपोजल को हमें करना है, तो मैं आपको आपके माध्यम से सारे लोगों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोन की सहमति जिस भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पावर में है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको पावर में उसको सैंक्शन करेंगे. ये हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं. और कल भी जब हमारी इंटरेक्शन हो रही थी इंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो हमने भी उनको भी ये प्रॉमिस किया है कि अगर आपका वायबल प्रपोजल है और कैनरा बैंक ने अगर ये डिसाइड किया है कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आपको करेंगे लोन फाइनेंसिंग, तो हम डिसीजन मेकिंग में बहुत बहुत फास्ट होंगे. सो हमारा पूरा थ्रस्ट है टर्न अराउंड टाइम के ऊपर. तो टैट को हम हमेशा एक अपने बैंक के ऊपर सबसे ऊपर रखते हैं.